हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द वेज करी मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बी टू वेज पुलाव। ये डिश बनाई है भावना सोलंकी जी ने फ्रॉम मुंबई। इसके लिए हमें चाहिए एक तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च कुटी हुई, 3 से 4 लवंग कुटी हुई, 1 दालचीनी कुटी हुई, 2 हरी इलायची कुटी हुई, 1 हरी मिर्च लंबाई में कटी हुई, कुछ सूखे मेवे जैसे कि काजू, किशमिश, 1 बड़ा बीटरूट कटा हुआ, थोड़े से हरे मटर, 1 बड़ा गाजर कटा हुआ, थोड़ी सी फ्रेंच बीन्स बारीक कटी हुई, इसे फंसी भी कहते हैं, आपकी पसंद की सब्जियां, थोड़ा सा नींबू का रस, 2 कप राइस यानी चावल, 2 बड़े चम्मच क्लैरिफाइड बटर यानी कि घी। चावल आप बासमती ले तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से सारा सामान तैयार कर लेंगे। चावल को भी धो के अच्छी तरह से हम भिगो लेंगे। अब एक कढ़ाई में हम सबसे पहले घी लेंगे। घी अब हल्का गर्म हो गया है, अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। जीरे को कुछ सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कूटे हुए खड़े मसाले, सूखे मेवे और उसी के साथ हमने जो मिर्ची कट की थी लंबाई में उसको भी हमने ऐड कर दिया है। इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि आपके जो सूखे मेवे हैं उनका कलर चेंज होके ब्राउन नहीं हो जाता। आप इसे कंटिन्यूस चलाते रहें वरना आपके मेवे जल जाएंगे। अब हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर देंगे। यहाँ हमने ऐड किया है हरा मटर, गाजर, पनसी यानी कि फ्रेंच बीन्स और बीटरूट जो कि मस्ट है। बीटरूट से कलर बहुत अच्छा आता है। सब्जियों को अच्छी तरह से मिला लेंगे मेवों के साथ। नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करके हम फिर से एक बार अच्छे से चला देंगे। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम सब्जियों को पकाएंगे, वो भी लो फ्लेम पर अच्छी तरह से चलाते हुए। ये बहुत ही हेल्दी डिश है दोस्तों। अब हम सब्जी को पकने के लिए ढक देंगे। कुछ इस तरह करीब करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे। ये फ्लेम आप चेक कर लीजिए, आपको इस तरह से फ्लेम रखनी है और बीच बीच में चलाते रहना है। अब हम सब्जियों को चेक कर रहे हैं। सब्जियां हमारी कुक हो गई है, एक बार अच्छे से चला लेते हैं इसे। अब हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं। चावल के साथ हम यहाँ पानी भी ऐड कर रहे हैं। जो आपके चावल हैं 2 कटोरी उनसे दुगना पानी नॉर्मली लगता है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। हल्के हाथ से मिक्स करना है क्योंकि बासमती चावल है वरना वो टूट जाएंगे। जब ये पानी उबल जाए तब हम इसमें नींबू का रस ऐड कर देंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद वापस एक बार हल्के हाथों से हमें सब कुछ मिला लेना है अच्छी तरह से। अब चावल को पकने के लिए हम रख देंगे ढक्कन लगाकर। अब करीब करीब 5 मिनट बाद हम एक बार फिर से चेक कर रहे हैं। एक बार अच्छे से सब कुछ वापस हल्के हाथ से मिला लेना है हमें। हमें सब कुछ लो गैस पे ही पकाना है दोस्तों। अब हमें वापस चावल को पकने के लिए रख देना है। करीब करीब 10 मिनट और लगेंगे। याद रखिए आपको बीच बीच में चावल को चलाते रहना है। अब हम वापस चेक करेंगे एक बार चावल को। ये ऑलमोस्ट हो चुके हैं लेकिन हमें कुछ देर और इन्हें रखना है पकने के लिए। हम वापस इसे ढक देते हैं। हमारा पुलाव ऑलमोस्ट रेडी है लेकिन इसका पानी सूखा नहीं है और हमें खिला खिला पुलाव चाहिए तो हम इसका पानी सूखा लेंगे। खिला खिला पुलाव खाने में बहुत टेस्टी लगता है दोस्तों। इसे हम रख देंगे सुखाने के लिए। पानी सूख गया है, हमारा पुलाव रेडी है। दिखने में कितना शानदार है। इसे हम यहाँ कढ़ी के साथ सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो रायता के साथ, दाल फ्राई के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। और ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।